हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है तो हमारे मुंह से निकलता है घोर कलयुग है भाई। लेकिन विद्वानों का मत है कि घोर कलयुग तो अभी आना बाकी है, अभी तो कलयुग की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब शुरुआत ही इतनी भयंकर है तो आगे और क्या क्या होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद के माध्यम से हमें थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश की है कि आखिर कलयुग कैसा रहने वाला है। मानस के इस वर्णन को सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में हमारे संत महात्मा कितने दूरदर्शी थे, क्योंकि कलयुग का जो वर्णन उन्होंने सदियों पहले किया था अब वैसे ही हालात दिखाई भी देने लगे हैं। आइए हम भी जानते हैं कि क्या क्या होगा आने वाले समय में। रामचरितमानस के अनुसार कलयुग में पाप सब धर्मों को निगल लेंगे, सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, दंभी लोग अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बाहर से पंथ प्रकट कर लेंगे। आज की परिस्थितियों पर गौर करें तो लगेगा कि काकभुसुंडी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर लालची लोगों ने अपने अपने नए पंथ बना लिए हैं और धर्म की आड़ में अधर्म का नंगा नाच नाचा जा रहा है। कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि कलयुग में ना वर्ण धर्म रहेगा न चारों आश्रम रहेंगे, सब स्त्री पुरुष वेदों के विरोध में लगे रहेंगे। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाला और राजा प्रजा को खा डालने वाले होंगे, वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानेगा। कलयुग का तीसरा लक्षण है कि जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग होगा, जो डींग मारता है वही पंडित होगा, जो मिथ्या आरंभ करता है आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत मानेंगे। कलयुग का चौथा लक्षण यह है कि कोई भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहेगा, हर व्यक्ति अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए रहेगा जो दूसरों को लुभा सके। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे होंगे और उनमें से असल चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल होगा। पांचवा लक्षण यह है कि जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान होगा, जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी होगा, जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है वही कलयुग में गुणवान कहा जाएगा। छठवां लक्षण है जो आचरणहीन है और वेद मार्ग छोड़े हुए है कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान होगा। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं होंगी वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी कहलाएगा। सातवां लक्षण, जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी होंगे, वे ही सिद्ध होंगे और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य होंगे। आठवां लक्षण, जिनके आचरण दूसरों के अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होगा और वे ही सम्मान के योग्य होंगे। जो मन वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाएंगे। नवा लक्षण, शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करेंगे कि हम कहां तुमसे किसी भी बात में कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखाएंगे। दसवा लक्षण, कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से रहित होकर पाप करेंगे और दुख भय रोग शोक और अपनी प्रिय वस्तु का वियोग पाएंगे। ग्यारहवां लक्षण, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में होंगे और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाने पर नाचेंगे। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देंगे और गले में जनेऊ डालकर दान मांगेंगे। बारहवां लक्षण, कुलवती और सती स्त्री को पति घर से निकाल देंगे और घर में दासी को लाकर रखेंगे। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक कि स्त्री का मुख दिखाई न दे। तेरवा लक्षण, सभी पुरुष काम और लोग में तत्पर और क्रोधी होंगे, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होंगे। अभागी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का साथ देंगी। चौदवा लक्षण, सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाएंगे, उनमें वैराग्य नहीं रहेगा, तपस्वी धनवान हो जाएंगे और गृहस्थ दरिद्र। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जा सकती।
पंद्रहवां लक्षण, कलयुग में कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, काम और मद संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलेगा और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करेगा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन इसे पाकर भी मनुष्य परलोक नहीं सवार पाएगा। वह परलोक में दुख पाएगा और सर पीट पीट कर पछताएगा और अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर दोष लगाता रहेगा।